लॉकडाउन के चलते हर धर्म के लोग अपने अपने घरों से ही त्यौहार मना रहे हैं और इसी क्रम में शहर के हसनबाग के बड़े जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद रमजान, इन्होंने सभी मुस्लिम भाइयों से माह रमजान ईद और घरों से नमाज पढ़ने की गुजारिश की है। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए हम सबको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, ये भी उन्होंने इस वक्त कहा है। कोरोना विषाणु के दुष्परिणाम से समाज तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए सामाजिक अंतर का पालन करने हेतु तथा माह रमजान में कोई भी नमाजी मस्जिद में न आए और अपने घरों में ही नमाज अदा करे, ऐसा आह्वान हसनबाग बड़ी जामा मस्जिद के इमाम जनाब मोहम्मद रमजान इन्होंने मुस्लिम भाइयों से की है। जी, मैं मोहम्मद रमजान और हसनबाग की बड़ी मस्जिद का मैं इमाम हूँ और मैं सभी भारतवासियों से, मुसलमानों से, तमाम दुनिया भर के मुसलमानों से और सभी लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आने वाला महीना जो है बड़ा ही मुबारक महीना है, तो इस महीने का एहतराम हमने भी करना है और एहतराम करते हुए हमारी हुकूमत जो हमसे कह रही है, हमने हुकूमत की बातों पर भी ध्यान देना है और उस पर अमल भी करना है। और जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत ने जब से ऐलान किया है इस जो माहौल से हमारा मुल्क हिंदुस्तान गुज़र रहा है, तो इसको लेकर जब से हमारे हुकामों ने इस बात को पूरे मुल्क भर में ऐलान किया, बताया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी उस पर अमल कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि नमाज का मामला है तो हमारी हुकूमत ने कहा कि मस्जिदों में सिर्फ 5 लोग नमाज़ पढ़ें, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हसनबाग की बड़ी मस्जिद है। इस इतनी बड़ी मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह हर यानी कि 5 नमाजों में सिर्फ 5 नमाजी आपको नज़र आएंगे, 5 लोग ही नमाज़ पढ़ रहे हैं अभी, फजर, जहर, असर, मगरिब, ईशा। और फिर अभी जैसा कि आने वाला महीना रमज़ान शरीफ का है, तो जैसा कि इस मुबारक महीने में हम नमाज तरावी का अहतमाम करते थे और सहर व इफ्तार का भी अहतमाम होता था, लेकिन चूंकि अभी माहौल ज़रा सा ये है तो इसको लेकर भी हमारी हुकूमत ने भारतवासियों से, मुसलमानों से सबसे कहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पर भी हम लब्बैक कहते हैं और हम अपने हुकूमत का साथ देते हैं, हमारी जो पुलिस प्रशासन है हम उसका भी साथ देते हैं देते हुए, और हम 5 ही आदमी नमाज तरावी भी पढ़ेंगे, 5 से 6 भी आदमी हम नमाज तरावी नहीं पढ़ेंगे। और सहरी और इफ्तारी का जो मोहल्ले में या इस मस्जिद के मैदान में जो अहतमाम होता था, तो वो अहतमाम भी नहीं होगा, सारे लोग अपने अपने घरों में सहरी और इफ्तारी करेंगे और जो लोग नमाज तरावी पढ़ना चाहते हैं वो अपने घरों में पढ़ेंगे, बाकी मस्जिद में रहा मसला तो सिर्फ यहाँ 5 ही लोग पढ़ेंगे। और ये बात हमारी हुकूमत ने भी कहा है, हम उसका भी पालन करते हैं। और ये बात हमारे जो वलमा हैं, हमारे वलमाओं ने भी सबको समझा दिया है कि हुकूमत, हमारी हुकूमत जो कहती है उस पर हमने अमल करना है और हमने अमल करके सबको बताना है कि हमारी हुकूमत हमसे क्या चाहती है, क्या मुतालबा करती है, तो उस पर हमने अपने आप को खरे उतरना है और खरे होकर हम अपने आप को हमने पेश करना है। तो बस आखिर में मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि सभी लोग रमज़ान शरीफ का एहतराम करें, रोज़े भी रखें और नमाज़ों की पाबंदी भी करें, तौबा इस्तग़फ़ार भी करें और अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह तबारक तआला इस मुसीबत से और इस आफात से तमाम हम सब लोगों को अल्लाह तबारक तआला महफूज रखे। और नमाज तरावी अपने घर में अदा करें, मस्जिद में ना आए, और नमाज पंजवक्ता भी अपने घर में अदा करें, मस्जिद में ना आए, इसलिए कि मस्जिद में नमाज तरावी हो या नमाज पंजगाना हो या नमाज जुमा हो, सिर्फ 5 ही आदमी अदा करेंगे जिसकी हमें हमारी हुकूमत की तरफ से इजाज़त दी गई है, उसके आगे हम अब नहीं बढ़ पाएंगे। यही मेरी सबसे गुजारिश है कि इस पर अमल करें। अल्लाह तबारक तआला आप सबको माह रमज़ान के रोज़े रखने और माह मुबारक का एहतराम करने की हमें तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। और मेरा सामने आने का मकसद ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 1 महीने से ज़ायद का अरसा हो रहा है
तो जिस तरीके से हमने अभी तक हमने अपने हमारी जो पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन में हमने साथ दिया और हमने एक महीने तक मुतवातिर बराबर हमने अपनी हुकूमत का भी साथ दिया, तो उसी तरीके से मेरी आप तमाम सबसे मोहल्ले वालों से गुजारिश है कि आने वाला जो मुबारक और मोहतरम महीना है, बाबरकत महीना है, इस महीने में भी हमने जिस तरीके से हमने अमल किया है पूरी पाबंदियों के साथ में, प्रशासन का साथ देते हुए, पुलिस हजरत का साथ देते हुए और हुकूमत का साथ देते हुए, उसी तरीके से हमने इस महीने को भी गुजारना है। और ये भी याद रखें साथ में कि जैसा कि एक तकरीबन एक महीने तक अभी हम पांचों नमाजें सिर्फ पांच आदमी मस्जिद में पढ़ रहे हैं, तो उसी तरीके से इंशाल्लाह माह रमज़ान में भी पांच ही आदमी मस्जिद में पढ़ेंगे, पांच से छठा आदमी नहीं मस्जिद में आएगा, पांच ही आदमी के। सभी धर्म के लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी इबादत त्योहार घरों में ही मना रहे हैं।